स्वागत है आपका आज के इस लाइव में। फिर से एक बार आज बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा, केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। बेहतरीन ये मैच होगा आज का, लाजवाब। मैच की शुरुआत हो रही है, पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है यहाँ पे, अच्छी शुरुआत यहाँ पे, बिल्कुल अच्छी शुरुआत यहाँ पे कहेंगे। बहुत ही जोरों की अपील, ओवर की दूसरी गेंद, यहाँ कैच आउट करने का मौका मिला था, यहाँ पे कैच छोड़ा, यहाँ पे मैच के दूसरी ही गेंद पर कैच ड्रॉप, बड़ा विकेट मिल सकता था यहाँ पे, साधारण सा कैच था ये रियान पराग के लिए। ट्रेंट बोल्ट को पहला विकेट मिलता है यहां पे, गवाया यहां पे मौका, बड़ा मौका था ये, बड़ी मछली जाल में फंस जाती मैच की शुरुआत में ही, और यहां से ये आपको बड़ा दुख देने वाला मैच, क्योंकि अब इनके बल्ले से जितने रन बनेंगे उतनी आपको दिक्कत होगी। फिल सॉल्ट ओवर की तीसरी गेंद, कोई रन नहीं, अच्छा अच्छी गेंदबाजी यहां पे, अच्छी शुरुआत ट्रेंट बोल्ट की द्वारा, फिर से एक बार लाजवाब गेंदबाजी करवाते हैं ट्रेंट बोल्ट। ओवर की चौथी गेंद, खूबसूरत ये चौका फिल सॉल्ट के बल्ले से, कैच छोड़ना है यहां पे, थोड़ा सा भारी जरूर पड़ेगा जी, नहीं बेहतरीन लाजवाब फील्डिंग, वहां पे दो ही रन मिल पाएगा, अच्छा रोका वहां पे गेंद को, लाजवाब फील्डिंग कहेंगे यहां पे, स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला था, तीन तीन फील्डर वहां गेंद के पीछे भागे थे और कामयाब हो गए चौके को रोकने में, हालांकि इसके बावजूद अच्छा ये ओवर घटता हुआ अभी तक। लाजवाब ओवर, पांचवी गेंद करेंगे, सामना करेंगे एक बार फिर से फिल सॉल्ट ट्रेंट बोल्ट का, साधारण सा कैच था वहां पे रियान पराग के लिए, उल्टे हाथ से गए थे कैच करने, सीधी हाथ से कैच करना चाहिए था, आराम से गेंद आपके बाजू में होती है। पांचवी गेंद, कोई रन नहीं, अच्छा ये ओवर घटता हुआ अभी तक। ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे, फिल सॉल्ट करेंगे सामना यहाँ ट्रेंट बोल्ट का, कोई रन नहीं, खूबसूरत ये ओवर, मात्र दो रन मिले यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को, बेहतरीन ओवर ये। माफ कीजिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला यहाँ पे सिर्फ दो रन, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अच्छा ये मैच घटा है, खूबसूरत अभी शुरुआत की है यहाँ पे, बेहतरीन जोरदार शुरुआत दोनों टीमों द्वारा, यह देखना होगा दूसरे ओवर में क्या गेंदबाजी में परिवर्तन। जी हाँ, आवेश खान को ला गया है गेंदबाजी करवाने के लिए, आज अच्छी गेंदबाजी करवानी होगी, अच्छी उम्मीद होगी दोनों गेंदबाजों से यहाँ पे, यहाँ विकेट निकालने की तलाश होगी, हालांकि पहले ओवर में मैच जरूर बनाने की कोशिश की थी यहाँ पे, विकेट बनाने की कोशिश की थी, पर वहाँ कैच ड्रॉप हुआ था रियान पराग से। ओवर की पहली गेंद, खूबसूरत ये चौका यहाँ पे, जी नहीं बेहतरीन लाजवाब फील्डिंग वहाँ पे, पहले बॉल पे कैच जरूर छोड़ा था रियान पराग ने, पर यहाँ पे गेंद को रोका, चार रन जाती हुई गेंद को सिर्फ एक रन में तब्दील किया,
अच्छी अच्छी यहाँ पे फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग यहाँ पे जी, आपको कैच नहीं छोड़ने होंगे। अच्छा शॉट लगाया था वहाँ पे स्क्वायर लेग की दिशा में, 3 रन बटोरने में अभी तक कोलकाता कामयाब हुई। दूसरा ओवर ये घटता हुआ, अच्छा चल रहा है यहाँ पे मैच ये। राजस्थान रॉयल के नज़रिए से ओवर की दूसरी गेंद कराएंगे आवेश खान। सामने होंगे यहाँ पे फिल सॉल्ट, पहले ओवर में इनका कैच ड्रॉप हुआ था। संजू सैमसन यहाँ पे ओवर की दूसरी गेंद, बॉलर्स रुक गए थोड़ा सा वहाँ पे। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स ने आज टॉस जीता, पहले किया गेंदबाजी का फैसला। ये फैसला कहाँ हद तक साबित होगा। ओवर की दूसरी गेंद, 1 रन लेने में और कामयाब। स्ट्राइक रोटेट किया यहाँ पे, अच्छी रणनीति। आवेश खान अच्छे गेंदबाज हैं ये भी। वहीं कोलकाता 4 रन पे पहुंची 1 रन के साथ। धीमी शुरुआत की है यहाँ पे कोलकाता ने आज। आज देखना होगा कोलकाता यहाँ से क्या कमाल दिखाती है। काफ़ी धीमी शुरुआत अभी तक कोलकाता की यहाँ पे। वही राजस्थान रॉयल्स बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं शुरुआत से ही। पहले ओवर में एक मौका बनाया था यहाँ पे कैच का, हालांकि फिल सॉल्ट का वो कैच ड्रॉप कर दिया रियान पराग ने। पर आवेश खान का भी अच्छा ओवर, पहले ओवर से मात्र 2 रन आए थे, दूसरे ओवर से 2 गेंदों में अभी तक सिर्फ 2 रन आए हैं। अच्छी शुरुआत कहेंगे। ओवर की तीसरी गेंद, एक डॉट गेंद, अच्छी डॉट गेंद करवा रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी करवा रहे हैं आवेश खान। स्पीड धैन की गेंदबाजी में रफ्तार है, अच्छी बात यह है बाउंस भी कर रही है आज गेंद इस मैदान पर। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता, पहले किया गेंदबाजी का फैसला। ये फैसला अभी तक उनके पक्ष में सही साबित होता हुआ। दूसरा ओवर का खेल चल रहा है ये। सुनील नारायण स्ट्राइक पे, नारायण को भी हाथ खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। अच्छी रणनीति, अच्छी गेंदबाजी राजस्थान रॉयल्स की। ओवर की चौथी गेंद कराएंगे यहाँ पे आवेश खान। सामने होंगे सुनील नारायण, जरूर बड़े शॉट के लिए जाएंगे। जी नहीं, खराब ये गेंद, काफ़ी बाहर गेंद और 4 रन और मुफ्त में मिले यहाँ पे। नहीं रोक पाए वहाँ पे कीपर संजू सैमसन। जी नहीं, वहाँ चेक किया गया अंपायर द्वारा, वाइड नहीं करार दिया गया, लेग बाय उसको 4 करार दिया गया, माफ कीजिएगा बाय द्वारा। वहाँ बल्ले से टच नहीं हुई थी, गेंद काफ़ी ऊंची चली गई थी। 4 रन मिले यहाँ पे मुफ्त के कोलकाता को। काफ़ी अच्छे हद तक कोशिश की थी वहाँ संजू सैमसन ने गेंद को रोकने की, नाकामयाब रहे। अब ये ओवर थोड़ा सा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे सुनील नारायण। ओवर की 5वीं गेंद, यहाँ खूबसूरत सा चौका सुनील नारायण के बल्ले से, गेंद सीमा सीमा रेखा के पार। 4 रन मिले, 12 पे पहुंची कोलकाता यहाँ पे। जी हाँ, बेहतरीन शुरुआत अब हो रही है धीरे धीरे। अब पहले ओवर में कुछ रन रोकने की कोशिश जरूर की थी, पर यहाँ लय मिला, उस लय को बनाया, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में मारा था शॉट। 4 रन बटोरे थे वहाँ पे सुनील नारायण ने 5वीं गेंद पर। बेहतरीन शॉट यहाँ पे, लाजवाब शॉट। 1 गेंद शेष है, 10 रन आ चुके हैं अभी 20 ओवर से। कोलकाता 12 पे पहुँच चुकी है। जी नहीं, डॉट गेंद के साथ यहाँ पे ओवर समाप्त करेंगे आवेश खान। अच्छा ओवर कोलकाता के नज़रिए से, 10 रन आए इस ओवर में। 12 पे पहुँची कोलकाता 2 ओवर की समाप्ति पर। अच्छी यहाँ पे शुरुआत, हालांकि पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन बीता था, पर क्या बेहतरीन कमबैक किया वहाँ पे, लाजवाब कमबैक वहाँ पे सुनील नारायण का। दो और साथ में ये 4 रन मुफ्त के मिल गए, बहुत दुखते हैं ये मुफ्त के रन, ये बहुत दर्द दे देते हैं बाद में, आपको इससे बचना होगा। एक अच्छे गेंदबाज की यही निशानी, आपको इससे बच के रहना होगा, यहाँ मुफ्त के रन नहीं देने आपको, वाइड नो बॉल से भी बचना होगा आपको। जी हाँ, आगे और देखना होगा और क्या क्या कमाल दिखाते हैं आज। मज़ेदार मैच चल रहा है अभी तक। ओवर की पहली गेंद यहाँ ट्रेंट बोल्ट की, 2 रन मिल लेंगे यहाँ पे। अच्छी शुरुआत हुई यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट के ओवर की। जी हाँ, बेहतरीन शुरुआत अब कर चुके हैं यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट के भी। सामने की और मिड ऑन की दिशा में शॉट खेला था, बाल बाल बचे हालांकि वहाँ पे आवेश खान फील्डर मौजूद थे। थोड़ा सा शॉट और कमज़ोर होता तो कैच हो सकता था, अपना विकेट गंवा सकते थे फिल सॉल्ट। आज फिल सॉल्ट का विकेट जल्दी जाएगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो फंस रहे हैं।
पहले ओवर में भी मौका बनाया था। यहाँ ओवर की दूसरी गेंद कराएंगे ट्रेंट बोल्ट। अच्छा ही अभी तक घटा उनका ओवर, पहले ओवर में मात्र यहाँ 2 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे फिल सॉल्ट को। 15 पे पहुंची कोलकाता बिना किसी नुकसान के। अच्छी यहाँ पे शुरुआत अब दिला रहे हैं धीरे धीरे, हालांकि अब जरूर बड़े बड़े शॉट मारने की कोशिश करेंगे सुनील नारायण। तीसरा ओवर ये घट रहा है मैच का। इस मैदान पे अच्छे खासे रन बनते हैं और वही कोशिश करेगी बनाने की आज कोलकाता। जी हाँ, बेहतरीन शॉट मारा था वहाँ मिड ऑन की दिशा में, 1 रन ही मिल पाया था। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे, 3 रन आए अभी तक इस ओवर से। जरूर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स शुरुआत में विकेट लेने की तलाश करेगी, यहाँ पे जरूरत भी है, ले भी सकते हैं यहाँ पे विकेट कोलकाता का। वहीं ट्रेंट बोल्ट, इन्हीं से उम्मीद होगी विकेट की। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे सुनील नारायण स्ट्राइक पे, इनका विकेट निकालना बेहद अहम यहाँ पे। डॉट गेंद, तीसरी गेंद, खामोश कर रखा है सुनील नारायण को। 6 गेंदें खेली है नारायण ने, मात्र 5 रन बनाए। अच्छी गेंदबाजी घटते हुए अभी तक राजस्थान के पक्ष से देखा जाए तो, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही। अच्छी रणनीति दोनों गेंदबाजों की दोनों छोर से। लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी स्पीड है ट्रेंट बोल्ट के पास, काफ़ी रफ्तार से डालते हैं गेंद। 135, 140, 145, लगातार एक से बढ़कर एक गेंदें उनकी। ओवर की चौथी गेंद कराएंगे यहाँ पे, 1 रन मिलेगा यहाँ पे, मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे सुनील नारायण को। बड़े बड़े शॉट्स मारते हैं नारायण पर आज, बिल्कुल अभी तक खामोश कर रखा है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने। अच्छी रणनीति यह गेंदबाजों द्वारा, बिल्कुल हाथ खोलने का ज़्यादा मौका देना ही नहीं है आपको, खास करके सुनील नारायण को, इससे आपको विकेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 4 गेंदें हो चुकी है अभी तक ओवर से आए, मात्र और मात्र 3 रन 4 रन, माफ कीजिएगा। ओवर की 5वीं गेंद कराएंगे ट्रेंट बोल्ट, सामना करेंगे फिल सॉल्ट। आज थोड़े से आड़े तिरछे शॉट खेल रहे हैं फिल सॉल्ट, जरूरी यहां पे विकेट गिरने के आसार होंगे आज। ओवर की 5वीं गेंद, तीसरे ओवर की, 16 पे पहुंची है कोलकाता, बड़ी मुश्किल से रन बन रहे हैं, 1-1 रन बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं। अच्छी शुरुआत कह सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, पर अच्छी तब हो जाएगी जब यहाँ से 1 विकेट मिल जाएगा। जी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ मौका नहीं देंगे फिल सॉल्ट। बेहतरीन खूबसूरत यह चौका फिल सॉल्ट के बल्ले से, लाजवाब शॉट लगाया यहाँ पे। पिछले ओवर में अभी तक थोड़ा सा फंस के खेल रहे थे फिल सॉल्ट, पर यहाँ मौका मिला और जड़ दिया चौका उन्होंने। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी रणनीति फिल सॉल्ट की वहाँ पे, अच्छी गेंद थी वहाँ पे मिड ऑफ की दिशा में, माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑन की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहाँ पे, किसी के पास कोई मौका नहीं था। बेहतरीन शॉट लगा दिया उन्होंने। ओवर की आखिरी गेंद, कोई रन नहीं, 8 रन आए पिछले ओवर से। 20 पे पहुंची कोलकाता बिना किसी नुकसान के। अच्छी यहाँ पे रणनीति, अच्छी बल्लेबाजी दोनों छोर से। खामोश जरूर है पर यहाँ पे सुनील नारायण बड़े बड़े शॉट्स मारते हैं, ये फंसाते हैं बल्लेबाज को, माफ कीजिएगा गेंदबाज को। वहीं ट्रेंट बोल्ट, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, मात्र 10 रन दिए हैं बोल्ट ने, और शाहरुख खान खुद आए हैं मैच देखने। ये जी हाँ, बेहतरीन ये बड़ा मैच बिल्कुल, यहाँ पे आज दोनों टीमें यहाँ पे जीत का जरूर ताज लेके जाना चाहेगी आज के मैच में। और बिल्कुल अभी तक तो ये मैच पूरी तरीके से अभी राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में है, 3 ओवर हो चुका है। यहाँ चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे जरूर आवेश खान, 20 रन दिए मात्र। सबसे अहम बात ये पावर प्ले के 3 ओवर थे, यहाँ खामोश कर रखा है, आगे भी मैच बना सकते हैं। जरूर राजस्थान विकेट की तलाश कर रही होगी यहाँ पे, कोलकाता थोड़ी सी मुश्किलों में, खास करके फिल सॉल्ट। 10 रन जरूर बनाए फिल सॉल्ट ने, पर आड़े तिरछे शॉट खेले आज फिल सॉल्ट। 1 कैच भी ड्रॉप हुआ है उनका, दूसरा मौका भी बना रहे थे वो आउट होने का। देखना होगा कौन से गेंदबाज ले पाएंगे आज जिनका विकेट। ओवर की अगले ओवर की पहली गेंद, 1 रन मिलेगा यहाँ पे, 1 रन के साथ संतोष करना होगा यहाँ पे सुनील नारायण को। आज नारायण जो बड़े बड़े शॉट मारते हैं शुरुआत से ही, काफ़ी खामोश है आज। 8 गेंदों में मात्र 7 रन बनाए नारायण ने।
अभी तक रोक रखा है नारायण को, पूरी तरीके से विराम लगा रखा है नारायण पे। जी हाँ, आवेश खान बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी कहेंगे। 21 पे पहुंची है कोलकाता, अच्छा शॉट मारा था वहाँ कवर्स की दिशा में, एक रन बटोरे थे। यह देखना होगा, एक बड़ा ओवर चाहिए यहाँ पे, पावर प्ले के 6 ओवर में से किसी एक ओवर को बड़ा बनाएगी जरूर कोलकाता। ओवर की दूसरी गेंद, अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी आवेश खान की, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी करवा रहे हैं, अच्छी शुरुआत किया इन्होंने राजस्थान के पक्ष से, बेहतरीन दोनों छोर से, ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान। लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे बिल्कुल। फिल सॉल्ट स्ट्राइक पे हैं, 11 गेंदों में, माफ कीजिएगा 12 गेंदों में 10 रन बना के खेल रहे हैं। काफ़ी अभी साधारण बल्लेबाजी देखने को मिली आज कोलकाता की, जरूर इस स्टेडियम पे बड़ा स्कोर कायम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस आईपीएल सीजन में बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं। यहाँ पे 200 से कम तो कोई बात ही नहीं कर रही, पर नहीं, यहाँ पे आवेश खान की बेहतरीन गेंद और वापिस जाना होगा फिल सॉल्ट को। पहला झटका लगा यहाँ कोलकाता को, कॉटन बोल्ड किया यहाँ पे आवेश खान ने। बेहतरीन एक फास्ट गेंदबाज के लिए कैच पकड़ना कितना ही मुश्किल हो सकता है, पर यहाँ मुश्किलों को कामयाब करके दिखाया। सामने की तरफ साधारण सा शॉट मारा था फिल सॉल्ट ने और बेहतरीन ये कैच फिल सॉल्ट का, लाजवाब कैच आवेश खान ने पकड़ा अपनी ही गेंद पर, अपना ही कैच पकड़ा। बेहतरीन पहला झटका लगा कोलकाता को यहाँ पे मात्र 21 रन के स्कोर पर। बेहतरीन गेंदबाजी आज राजस्थान रॉयल्स की, 21 रन पे पहला झटका दे दिया यहाँ पे कोलकाता को। इससे अच्छा और ही क्या घट सकता है राजस्थान रॉयल्स के लिए। पावर प्ले में खामोश कर रखा है वहाँ पे, साथ में विकेट निकाल के दे रहे हैं। जी हाँ, यह 3 गेंदे अभी भी शेष इस ओवर में। आवेश खान बेहतरीन इस आईपीएल सीजन घटा है आवेश खान का, ये अच्छे विकेट्स लिए हैं, अच्छी गेंदबाजी की है, इकोनॉमी भी काफ़ी नॉर्मल है इनकी, जबकि पावर प्ले में गेंदबाजी करवाते हैं जहाँ बड़े बड़े शॉट्स लगते हैं, उसके बावजूद इतनी अच्छी इकोनॉमी, बेहतरीन गेंदबाजी। ईडन गार्डन कोलकाता का अपना होम ग्राउंड और उस पर थोड़ी सी खराब स्थिति में यहाँ पे कोलकाता, बिल्कुल कहेंगे यहाँ पे रघुवंशी आए बल्लेबाजी करने, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं रघुवंशी भी, बहुत अच्छा इस बार कोलकाता के लिए इन्होंने निकाल के दिया मैच। देखना होगा आज क्या कमाल कर पाते हैं रघुवंशी, बहुत उम्मीद होगी आज कोलकाता को इनसे, जिस परिस्थिति में कोलकाता पहुंच गई है, 21 रन पे पहला विकेट गंवा चुकी है। ओवर की चौथी गेंद, एक रन के साथ खाता खोला रघुवंशी ने यहाँ पे, 22 पे पहुंची कोलकाता, पहले ही गेंद पर खाता खोला रघुवंशी ने। अच्छा शॉट लगाने गए थे वहाँ पे, हालांकि नाकामयाब रहे बड़ा शॉट खेलने में, और आज बड़ा शॉट खेलने दे भी नहीं रहे राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज। अच्छी गेंद थी आवेश खान की, चौथी गेंद ये स्क्वायर लेग की दिशा में खेला था, एक रन चुराया था वहाँ पे। 22 पे पहुंची कोलकाता एक विकेट के नुकसान पर, बड़ा विकेट गिरा था वहाँ फिल सॉल्ट का, अच्छा घटता भाई ओवर, अभी तक मात्र 2 रन आए और एक विकेट भी, हालांकि 2 गेंदे अभी भी शेष है, यहाँ से और विकेट के चांसेस बन सकते हैं बिल्कुल, जिस हिसाब की गेंदबाजी आवेश खान कर रहे हैं यहाँ पे आज। ओवर की 5वीं गेंद कराएंगे आवेश खान, सामना करेंगे सुनील नारायण। शॉट्स की दरकार यहाँ पे कोलकाता को, काफ़ी धीमी शुरुआत की है पावर प्ले का, चौथा ओवर ये घटता हुआ पावर प्ले का, बिल्कुल आवेश खान 5वीं गेंद कराएंगे यहाँ पे। हालांकि लाजवाब शॉट यहाँ पे खेलने की कोशिश जरूर की थी रघुवंशी ने पिछली गेंद पर, नाकामयाब रहे थे, पर यहाँ देखना होगा क्या कामयाबी में लग सर जी नहीं, यहाँ सुनील नारायण का बल्ला बोला, 4 रन मिले यहाँ पे कोलकाता को। बेहतरीन शॉट यहाँ पे, खूबसूरत बल्लेबाजी अभी शुरू करेंगे सुनील नारायण। अब काफ़ी देर से प्रेशर बन रहा था उन पे, हालांकि इस चौके के बावजूद वो 9 गेंदों में 11 रन बना के खेल रहे हैं, धीमी शुरुआत की थी, पर अब नहीं रुकेंगे वो जरूर निश्चित रूप से किसी न किसी एक ओवर को बड़ा बनाएंगे और अपने स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। चौके के साथ 26 पर पहुंची कोलकाता एक विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर का खेल ये, एक गेंद अभी भी शेष, मिड विकेट की दिशा में लाजवाब शॉट मारा था वहाँ पर नारायण ने। ओवर की आखिरी गेंद आवेश खान की, सुनील नारायण करेंगे सामना, कोई रन नहीं, 6 रन आए पिछले ओवर से और एक बड़ा विकेट फिल सॉल्ट का। 4 ओवर की समाप्ति, कोलकाता का स्कोर 26 रन एक विकेट के नुकसान पर। लाजवाब कर रहे हैं आज गेंदबाजी राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज,
ज़्यादा हाथ खोलने के मौके नहीं दे रहे, आप समझ सकते हैं। पावर प्ले के 4 ओवर बीत चुके हैं, मात्र 26 रन बने वहाँ पे। हालांकि पिछली गेंद पर भी फिर से गए थे सुनील नारायण बड़ा शॉट खेलने, पर नाकामयाब रहे। जी हाँ, अब शायद गेंदबाजी में परिवर्तन हो, ट्रेंट बोल्ट को ना लाया जाए। 2 ओवर कराया बोल्ट ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने भी, और यहाँ उम्मीद होगी अब बिल्कुल गेंदबाजी में कुछ ना कुछ राजस्थान रॉयल्स परिवर्तन करेगी। टॉस जीता हालांकि, अभी तक मैच उनके पक्ष में भी है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वहीं कोलकाता थोड़ी सी तेज़ी से रन बनाने होंगे यहाँ पे, 26 पे पहला झटका लगाए कोलकाता को। देखना होगा यहाँ गेंदबाजी में क्या परिवर्तन करते हैं कप्तान। बिल्कुल पहली गेंद यहाँ पे खूबसूरत चौका मारा, ओवर की शुरुआत हुई है ट्रेंट बोल्ट के 3रे ओवर की, पहली गेंद पर चौका खा लिया यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट ने। हालांकि गेंद में कोई कमी नहीं थी, पर रघुवंशी ये आईपीएल सीजन उनका अच्छा बीत रहा है, अनकैप्ड खिलाड़ी इस बार बहुत कमाल कर रहे हैं आईपीएल में। 30 पे पहुंची कोलकाता, यहाँ पे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला था शॉट, बॉल सरसराते हुए बाउंड्री के पार गई, वहाँ कोई मौका नहीं किसी के पास। लाजवाब बल्लेबाजी रघुवंशी द्वारा इस पूरे आईपीएल सीजन में, अच्छी गेंदबाजी हालांकि ट्रेंट बोल्ट की थी, गेंद में कोई कमी नहीं थी, खासा बाउंस नहीं मिला। ओवर की दूसरी गेंद 1 रन के साथ स्ट्राइक चेंज किया रघुवंशी ने, अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की, चौका मारने के बाद स्ट्राइक चेंज कर लेना, ये लाजवाब रणनीति होती है किसी भी खिलाड़ी की शुरुआत में। 31 पे पहुंची कोलकाता 1 विकेट के नुकसान पर, 5वां ओवर ही घट रहा है अभी तक। हालांकि ट्रेंट बोल्ट बिल्कुल इनको विकेट की तलाश होगी, ये 3रा ओवर लेके आए हैं इस आईपीएल सीजन में, कमाल की गेंदबाजी की है बोल्ट ने भी, और यहाँ और विकेट तलाश रही होगी राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल सुनील नारायण और रघुवंशी दोनों ही सेट बल्लेबाज, दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज, इनका विकेट जरूर चटकाना चाहिए। ओवर की तीसरी गेंद कोई रन नहीं, लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट की, बिल्कुल मौका नहीं देंगे ये आपको बड़े शॉट्स खेलने का। 1 चौका जरूर लगा पहले गेंद पर इस ओवर के, पर यहाँ कोलकाता थोड़ी सी स्लो गति से रन बनाती हुई, 5वां ओवर ही घट रहा है पावर प्ले का, जरूर प्रयास करेंगे सुनील नारायण स्ट्राइक पे जो हैं बड़े बड़े शॉट्स मारने का इस ओवर में। 3 गेंदें अभी भी शेष है, ओवर की चौथी गेंद नारायण करेंगे सामना बोल्ट का चौथी गेंद पर। 31 पे पहुंची है कोलकाता, 7 के आसपास का रन रेट है मात्र इनका, देखना होगा बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं या सिंगल डबल लेके स्ट्राइक चेंज करते हैं। हालांकि दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण, जी नहीं स्ट्राइक चेंज किया यहाँ पे, 1 रन के साथ संतोष किया नारायण ने, 12 गेंदों में 12 रन बना के खेल रहे हैं, धीमी बल्लेबाजी अभी तक नारायण की। वहीं रघुवंशी स्ट्राइक पे आएंगे इस 1 रन के बाद, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की। 32 पे पहुंची है कोलकाता 1 विकेट के नुकसान पर, 6 रन आए अभी भी इस ओवर से, अभी भी 2 गेंदें शेष है, जरूर और शॉट मारेंगे यहाँ पे कोलकाता के बल्लेबाज, बड़ा ओवर बनाएंगे, देखना होगा क्या हद तक कामयाब रह पाते हैं। लाजवाब वहाँ पे गेंदबाजी, हालांकि ओवर की 5वीं गेंद यहाँ नहीं बख्शेंगे आपको रघुवंशी, खूबसूरत चौका लगा दिया रघुवंशी ने, बेहतरीन शॉट ये, 36 पे पहुंची कोलकाता इस चौके के साथ, ये थोड़ा सा बड़ा ओवर होते हुए ट्रेंट बोल्ट का, बहुत अच्छा करवाया था 2 ओवर पहला, मात्र 10 रन दिए थे, पर यहाँ इस ओवर में अभी तक 10 रन दे चुके हैं वो, 5 गेंदें हुई है, बेहतरीन शॉट लगाया था रघुवंशी ने वहाँ गली की दिशा में, 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। 1 गेंद अभी भी शेष, एक और हिट आ सकता है इस गेंद पर, रन्स की गति को थोड़ा बढ़ाया रघुवंशी ने यहाँ पे कोलकाता के लिए, बहुत ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे सुनील नारायण आज, पर वहाँ एक बाउंड्री, बेहतरीन बाउंड्री, जी हाँ ओवर की आखिरी गेंद कोलकाता का एक और चौका रघुवंशी के बल्ले से, खूबसूरत लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पे, ट्रेंट बोल्ट जैसे महान गेंदबाज के सामने इतने बड़े बेहतरीन शॉट खेल रहे हैं, डाउन द ग्राउंड लाजवाब शॉट रघुवंशी का यहाँ पे। जी हाँ 40 पे पहुंच चुकी है कोलकाता, जी हाँ लाजवाब शॉट खेल रहे हैं वहाँ पे, फिर से उसी दिशा में पॉइंट की दिशा में खेला था शॉट, 4 रन बटोरे थे अपनी टीम के लिए, बेहतरीन बल्लेबाजी। 5 गेंदों में 14 पे पहुंच गए रघुवंशी, 280 की स्ट्राइक रेट, 3 चौके लगाए इन्होंने। वही सुनील नारायण आज धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके लगाए इन्होंने, 12 गेंदों में 12 रन बना के खेल रहे हैं,
ट्रेंट बोल्ट, तीसरा ओवर, 14 रन का ओवर, बड़ा ओवर फेंका था इन्होंने। हालांकि कोलकाता 40 पे पहुंची, अभी 5 ओवर समाप्त हुए हैं, एक ओवर और बचा है अभी पावर प्ले में, देखना होगा वहां पे क्या गेंदबाजी में परिवर्तन। जी हां, सेन को दिया गया गेंदबाजी करने का मौका, अच्छी रणनीति यहां पे संजू सैमसन की, गेंदबाजी में परिवर्तन जरूरी था यहां पे, पर यहां पे मौका नहीं, गेंद बदली पर परिणाम वही निकला, एक और खूबसूरत बाउंड्री यहां पे कोलकाता के लिए। लगातार पिछले 3 गेंदों में 3 चौके लगा चुके हैं बैक टू बैक कोलकाता के बल्लेबाज, पहले रघुवंशी अब सुनील नारायण, हालांकि लेग बाई करार दिया उसे अंपायर ने, पीछे की तरफ गई थी, कोई मौका नहीं था, बेहतरीन एफर्ट मारा था संजू सैमसन ने रोकने की गेंद को। 6 रन दूर कोलकाता अपने अर्धशतक से, रन रेट में इजाफा भी यहां पे 8.5 के ऊपर की रन रेट है यहां पे कोलकाता की, बिल्कुल चाहेंगे बड़ा स्कोर कायम करने की कोलकाता आज, ये उनका स्टेडियम है, ये ईडन गार्डन है। ओवर की दूसरी गेंद कराएंगे, यहाँ पे बॉल हवा में है यहाँ पे, पर यहाँ पे एक ही रन मिलेगा, बड़ा शॉट खेलने गए थे फिर से सुनील नारायण, वहाँ फंस सकते थे मछली, यहाँ पे सेन की अच्छी गेंदबाजी, वहाँ पे चौका जरूर बाई के थ्रू मिल गया था, लेग बाई के थ्रू, पर यहाँ एक रन और फंसाया था, बड़े शॉट खेलने को मजबूर किया वहाँ पे सुनील नारायण को, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में गई थी, वहाँ पे काफ़ी देर तक हवा में थी, पर एक ही रन मिला यहाँ पे कोलकाता को, 45 पर पहुंची कोलकाता 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, दूसरा ओवर ये, माफ़ कीजिएगा, आखिरी ओवर ये पावर प्ले का, 2 गेंदें हो चुकी है अभी तक, तीसरा गेंद कराएंगे सेन, सामना करेंगे रघुवंशी, लगातार बड़े बड़े शॉट मार रहे रघुवंशी, पर यहाँ कोई मौका नहीं देंगे सेन यहाँ पे तीसरी गेंद पर, डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे सेन की, अच्छी शुरुआत कहेंगे, चौका जरूर खाया था पहली गेंद पर अच्छा कमबैक किया उन्होंने, 45 पे पहुंची है कोलकाता 5 रन दूर अपने अर्धशतक से, और जरूर आज इस मैदान पर शाहरुख खान आए मैच देखने, जरूर उनको खुश करना चाहेंगे कोलकाता अपनी जीत के साथ, अच्छी लाजवाब गेंदबाजी, फास्ट, अच्छी खासी स्पीड है, और महत्वपूर्ण ये कि ये स्टेडियम में भी बॉल बहुत अच्छी बाउंस कर रही है, तो इससे मदद मिलेगी फास्ट गेंदबाजों को। ओवर की चौथी गेंद कराएंगे यहाँ पे, 1 रन के साथ शांत करेंगे रघुवंशी के बल्ले को, 46 पे पहुंची कोलकाता इस 1 रन के साथ, 15 पे रघुवंशी, हालांकि बेहतरीन शॉट मारे आज इन्होंने, 3 चौके मारे और क्या एक से बढ़कर एक चौके रघुवंशी के बल्ले से, क्या और कुछ तस्करी यहाँ पे छुपे हुए रघुवंशी के बल्लेबाजी में। ओवर की 5वीं गेंद कराएंगे यहाँ सुनील नारायण, पिछला गेंद बेहतरीन था, हालांकि शॉट गली की दिशा में गई थी, बिल्कुल 1 रन बटोरा था पिछले गेंद पर यहाँ 5वीं गेंद पर सुनील नारायण, जरूर बड़े शॉट्स की दरकार है यहाँ पे कोलकाता को, 2 गेंदें शेष है पावर प्ले में और अपने अर्धशतक में भी 4 रन पीछे है कोलकाता बस, यहाँ जरूर 50 से ऊपर की पहुँचने की कोशिश करेंगे कोलकाता। 5वीं गेंद ये ओवर की सेन की, सामने सुनील नारायण, बड़ा शॉट खेल दिया है, बॉल हवा में है और 6 रन के लिए, बॉल सीमा रेखा के पार भी गई यहाँ पे, लाजवाब यहाँ पे शॉट, सुनील नारायण काफ़ी देर से खामोश थे, 15 गेंदें खेल चुके हैं, पहला छक्का आया उनके बल्ले से, रन की गति को बढ़ाया यहाँ पे, 50 का आंकड़ा पार किया कोलकाता ने, 52 पे पहुंची कोलकाता 1 विकेट के नुकसान पर, लाजवाब शॉट हुआ सुनील नारायण का, खूबसूरत शॉट खेला था वो एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, 6 रन बटोरे अपनी टीम के लिए, थोड़ा सा महंगा ओवर होते हुए, थोड़ा सा बड़ा ओवर होते हुए, पहले गेंद पर 4 रन आए थे, चाहे वो लगभग करार दिया अंपायर ने, पर यहाँ लगभग 12 रन दे चुके हैं, हालांकि उनके खाते में मात्र 8 रन जुड़ेंगे सेन के गेंदबाजी के, बाकी 4 रन एक्स्ट्रा जरूर यहाँ से प्रयास करेंगे, अच्छी गेंद बल्लेबाजी यहाँ पे, अगली गेंद पर एक और चौका सुनील नारायण के बल्ले से, बड़ा ओवर यहाँ पे, और हम बात कर ही रहे थे पावर प्ले में एक ना एक बड़ा ओवर निकालने की कोशिश जरूर करेंगे कोलकाता के बल्लेबाज, और यही वो बड़ा ओवर, 16 रन आए पिछले ओवर से, कोलकाता का स्कोर 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर, पावर प्ले की हुई समाप्ति, अंपायर द्वारा टाइम आउट का इशारा यहाँ पे, जी हाँ 2.5 मिनट का ब्रेक यहाँ पे, लाजवाब शॉट यहाँ पे सुनील नारायण का, बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, 56 पे पहुंची कोलकाता 1 विकेट के नुकसान पर, यहाँ टाइम आउट की ज़रूरत भी थी,
पावर प्ले खत्म हो चुका है यहाँ पे, अच्छी पोजीशन, अच्छे वेल पोजीशन में यहाँ पे कोलकाता, देखना होगा आगे कैसी बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि राजस्थान की टीम बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे, कोलकाता भी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया जरूर है, अभी तक देखना होगा आज के मैच में क्या कमाल करते हैं। अभी तक तो लाजवाब बल्लेबाजी जरूर कहेंगे, 56 पे पहुंच गई है, स्ट्राइक रेट जरा चेक किया लिया जाए। सुनील नारायण 16 गेंदे 23 रन, 3 चौके 1 छक्का, 143 से ऊपर की स्ट्राइक रेट, लगभग 144 की। वहीं रघुवंशी 7 गेंदे 15 रन, 214 से ऊपर की स्ट्राइक रेट, बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन यहाँ पे पार्टनरशिप भी, मात्र 15 गेंदों में 35 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। जरूर यहाँ पे बड़ा स्कोर आज बनाना चाहेंगे कोलकाता, संभल के करनी होगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें छुपा रखी है यहाँ पे गेंदबाजी में राजस्थान रॉयल्स ने। अभी तक बहुत ही कमाल करती है राजस्थान रॉयल्स अपनी गेंदबाजी से, पिछले सभी मैचों में देखा गया है, देखना होगा आज क्या कमाल करती है राजस्थान रॉयल्स। टाइम आउट की समाप्ति में कुछ ही सेकंड का समय शेष, बिल्कुल जी हाँ, यहाँ क्या कमाल करेगी राजस्थान आज, देखने वाली बात होगी। टाइम आउट की समाप्ति होने ही वाली है, सेन सुनील नारायण अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे सेट हो चुके सुनील नारायण, जरूर आज बड़े पारी की उम्मीद करेगी कोलकाता सुनील नारायण के बल्लेबाजी से, यहाँ देखना होगा क्या और बड़े बड़े शॉट्स मार पाते हैं क्या। जी हाँ, यहाँ टाइम आउट की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है अंपायर द्वारा, यहाँ देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन करते हैं, शायद स्पिन गेंदबाज को लाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पिनर हैं और मौका बन सकता है विकेट का। हालांकि सुनील नारायण अच्छा खेलते हैं स्पिनर को क्योंकि वो खुद ही एक स्पिन गेंदबाज हैं। 56 पे पहुंची है कोलकाता एक विकेट के नुकसान पे, 9.5 के आसपास का रन रेट, 9.33 का। जी हाँ, टाइम आउट की समाप्ति, युजवेंद्र चहल गेंदबाजी में परिवर्तन, स्पिन गेंदबाज को लाया गया गेंदबाजी के लिए। 7वें ओवर की पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत की यहाँ पे युजवेंद्र चहल ने, अच्छी रणनीति यहाँ पे संजू सैमसन की, बिल्कुल जरूरत थी यहाँ पे गेंदबाजी में परिवर्तन करने की और किया उन्होंने, देखना होगा ये गेंदबाजी कितनी कारगर साबित होती है आज कोलकाता के ऊपर, कितनी हावी होती है गेंदबाजी राजस्थान रॉयल्स की। ओवर की दूसरी गेंद एक रन लेने में कामयाब यहाँ पे, अच्छी यहाँ पे रणनीति, रघुवंशी बेहतरीन शॉट खेला था वहाँ पे, एक रन चुराए थे जरूर। 57 पे पहुंची कोलकाता एक विकेट के नुकसान पर, अच्छा शॉट खेला था वहाँ पे मिड विकेट की दिशा में, एक रन ही बटे हुए पर बेहतरीन शॉट ये। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे सुनील नारायण होंगे अब स्ट्राइक पे, निश्चित रूप से बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे सुनील नारायण। तीसरी गेंद कोई रन नहीं डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे चहल की, इस आईपीएल सीजन में चहल ने जो कमाल किया है, जी नहीं यहाँ पे एक रन मिला, स्ट्राइक चेंज करेंगे सुनील नारायण भी, उनकी भी रणनीति कुछ समझ से परे है सुनील नारायण की। जी हाँ, बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाना जाता है उन्हें, आज थोड़े से खामोश दिखे शुरुआत में, हालांकि पिछले ओवर में कुछ बेहतरीन शॉट्स मारे हैं उन्होंने, छक्का चौका, पर यहाँ देखना होगा यहाँ पे आगे क्या कमाल कर पाते हैं। जी हाँ, ओवर की चौथी गेंद खूबसूरत ये दंदनाता हुआ चौका रघुवंशी के बल्ले से, 4 रन मिले यहाँ पे कोलकाता को, 62 पे पहुंची कोलकाता एक विकेट के नुकसान पर, लाजवाब शॉट मारा यहाँ पे, बेहतरीन शॉट मिड विकेट की दिशा में, वहाँ फील्डर के पास मौका था हालांकि रोकने का, एक मिसफील्ड कह सकते हैं आज रियान परा की, बड़ी मिसफील्ड कहेंगे आज, पहले कैच छोड़ा यहाँ पे फिल सॉल्ट का, फिर यहाँ पे चौका जाने दिया। ओवर की 5वीं गेंद एक रन के साथ संतोष करना पड़ेगा, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की,
अच्छी शुरुआत यहाँ पे कोलकाता के लिए, अभी तक वेल पोजीशन में है कोलकाता। अच्छी रणनीति यहाँ पे कोलकाता, काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में यहाँ पे। जी हाँ, बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे आर अश्विन की गेंदबाजी का। 3 गेंदें फेंकी है इन्होंने अभी तक, मात्र 2 रन दिए। वहीं कोलकाता 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की 4थी गेंद कराएंगे अश्विन, सामना करेंगे, बॉल हवा में है और बॉल सीमा रेखा के पार भी। खूबसूरत यह चौका यहाँ पर मिला, बेहतरीन शॉट वहाँ पर। Thank you.
अच्छी रणनीति यहाँ पे, बेहतरीन रणनीति दोनों बल्लेबाजों की। 79 पे पहुंची है कोलकाता एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस हिसाब की शांत स्वभाव बल्लेबाजी हुई थी उस हिसाब की अब बड़ी बड़ी शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे दोनों बल्लेबाज। खास करके यहाँ पे रघुवंशी 14 गेंदों में 27 रन, बड़ा स्कोर बनाएंगे आज। जी माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कतों के कारण हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, पर हम फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ 89 पे पहुंची है कोलकाता एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी यहाँ पे खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ बेहतरीन 9.89 की रन रेट, लाजवाब बल्लेबाजी कहेंगे। यहाँ पे गेंदबाजी में परिवर्तन करेंगे जरूर फिर से। यहाँ पे ओवर की पहली गेंद एक रन बटोरने में कामयाब। यहाँ के अश्विन की भी पिटाई हुई है पिछले ओवर में, 10 रन बने। यहाँ 11वां रन अश्विन के खाते से, लाजवाब बल्लेबाजी कोलकाता। 90 पे पहुंची एक विकेट के नुकसान पर, बेहतरीन खास करके रघुवंशी। और अब तो सुनील नारायण भी पिटाई कर रहे हैं, 26 गेंदों में 43 पे पहुंचे नारायण। एक समय में इनका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे था और अब ये 200 के पास जाता हुआ। मिड विकेट की दिशा में एक रन चुराया था पहली गेंद से। वहीं रघुवंशी 16 गेंदे 29 रन, 69 रनों की साझेदारी मात्र 34 गेंदों में दोनों बल्लेबाज द्वारा। देखना होगा आगे और क्या क्या बड़े बड़े शॉट्स मारते हैं दोनों बल्लेबाज। जी हां, ओवर की दूसरी गेंद कोई रन नहीं। 90 पे पहुंची है कोलकाता, 10 रन दूर है अपने शतक से कोलकाता। यहां पे जरूर एक बड़ा रन बनाने की कोशिश करेंगे कोलकाता, ये उनका मैदान है, ये ईडन गार्डन है। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे यहाँ पे रार अश्विन, एक रन के साथ संतोष करना पड़ेगा नारायण को। स्ट्राइक रोटेट किया, 91 पे पहुंची कोलकाता, 9 रन दूर अपने शतक से कोलकाता। अभी भी अच्छी गेंद थी, हालांकि थोड़ी सी जरा स्पिन हो रही है यहाँ अश्विन की गेंद, शायद यही वजह, थोड़ी बाउंस नहीं मिल पा रही है यहाँ पे अश्विन को, इसलिए मिड विकेट की दिशा में शॉट खेल के एक रन बटोरा था। यहाँ पे चौथी गेंद पर भी फिर से लाजवाब बल्लेबाजी, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं लगातार दोनों बल्लेबाज। अच्छी मानसिकता यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की। 92 पे पहुंची है कोलकाता एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों द्वारा।
अच्छी यहाँ पे शुरुआत, बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों छोर से कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, आज लगे पड़े हैं, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे यहाँ पे अपने ऊपर हावी होने को गेंदबाजों को। बेहतरीन बल्लेबाजी, 10 के आसपास का रन रेट, यहाँ और क्या चाहिए। यहाँ फील्डर इंजर्ड हो गया, यहाँ पे मौका था क्योंकि अच्छी फील्डिंग की थी वहाँ पे। कोलकाता ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। 11वें ओवर की शुरुआत हुई है, अभी एक गेंद हुई है मात्र, पहली गेंद वाइड करार दी थी। यहाँ अच्छी शुरुआत कोलकाता के नज़रिए से, सुनील नारायण 51 रन, 31 गेंदें, 5 चौके, 3 छक्के, 164 से ऊपर की स्ट्राइक रेट। वहीं रघुवंशी 17 गेंदों में 30 रन, 5 चौके, 176 से ऊपर की स्ट्राइक रेट। लाजवाब पोजीशन पे है यहाँ पे कोलकाता, आज ज़रूर बड़ा स्कोर कायम करने की कोशिश करेगी, और जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है यहाँ 230-235 तक बन सकते हैं आराम से। ये स्टेडियम है कोलकाता का, ये ईडन गार्डन है, यहाँ बनाने चाहिए कोलकाता को बड़ा स्कोर। वही संजू सैमसन थोड़े से घायल, वहाँ फील्डर आए हैं, वहाँ पे फिजियो आए हैं, डॉक्टर आए हैं वहाँ मैदान पर, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे और उनका ठीक रहना ज़रूरी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स आज बड़े रन को चेज़ करेगी ज़रूर। पहला झटका हालांकि कोलकाता को थोड़ा सा जल्दी लगा था, पर उसके बाद क्या कमबैक किया कोलकाता ने, 80 रन की पार्टनरशिप मात्र 40 गेंदों में। राजस्थान ने टॉस जीता, पहले किया गेंदबाजी का फैसला, पर क्या गेंदबाजी का फैसला, अभी तक थोड़ा सा गलत साबित होता हुआ यहाँ पे, विकेट लेने में नाकामयाब यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज। कोलकाता ने क्या बेहतरीन बैटिंग की है, लाजवाब बल्लेबाजी की आज, यहाँ से मैच बनाना होगा, यहाँ से विकेट लेना होगा ज़रूर राजस्थान को। सीन अच्छी गेंदबाजी करवा रहे हैं यहाँ पे, देखना होगा क्या ये विकेट निकालने में कामयाब होते हैं। जी नहीं, एक और खूबसूरत सा चौका यहाँ सुनील नारायण के बल्ले से, बॉल सीमा रेखा के पार, 105 पे पहुंची कोलकाता एक विकेट के नुकसान पर। लाजवाब यहाँ पे सुनील नारायण की बल्लेबाजी, पहले 20 गेंदों में उन्होंने 19 रन बनाए थे, अगले 12 गेंदों में आप सोच सकते हैं ये 34-35 रन बना दिए, 300 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पिछले 3 गेंदों की। अच्छा शॉट लगाया था वहाँ पे, आसान गेंद थी, बल्ले पे आई आराम से थी स्क्वायर लेग की दिशा में, 4 रन बटोरे थे। यहाँ ओवर की तीसरी गेंद जरूर कराएंगे सैम, हालांकि अभी तक 17 रन दे चुके हैं, दूसरा ओवर ये घट रहा है उनका, 4 गेंदें अभी भी शेष है। वहीं बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट्स लगा रहे हैं वहाँ कोलकाता के बल्लेबाज। ओवर की चौथी तीसरी गेंद, बॉल हवा में, जी नहीं यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे, एक और सुनील नारायण का कैच, 106 पर पहुंची कोलकाता, वहाँ एक ही रन मिल पाया पिछली गेंद पर। जी हाँ, यहाँ पे बार बार कैच ड्रॉप कर रहे हैं आज, आज ये राजस्थान रॉयल्स का तीसरा कैच ड्रॉप है आज के मैच में। बड़ा मछली जाल में फंसाने आए थे यहाँ सुनील नारायण को, मौका नहीं दे रहे यहाँ पे बिल्कुल, विकेट लेना होगा यहाँ पे हर हाल में राजस्थान रॉयल्स को, थोड़ा सा शांत करना होगा विकेट लेके कोलकाता को। जी हाँ, ओवर की चौथी गेंद कराएंगे यहाँ पे सेन, 106 पे पहुंची है कोलकाता, बेहतरीन शॉट था वहाँ पे कवर्स की दिशा में, वहाँ बाल बाल बचे वहाँ पे, कैच ड्रॉप हुआ वहाँ पे। ओवर की 5वीं गेंद कराएंगे सेन, सामने होंगे यहाँ पे रघुवंशी, बॉल हवा में है और यहाँ विकेट की तलाश थी यहाँ पे राजस्थान को, और वो विकेट मिल गई राजस्थान को यहाँ पे, 106 रन पे गिरा यहाँ पे दूसरा विकेट कोलकाता का। अच्छी लाजवाब यहाँ पे बल्लेबाजी चल रही थी दोनों बल्लेबाजों की, यह जाना पड़ेगा रघुवंशी को, 18 गेंदों में 30 रन बना के, थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेला था, एक आसान सा कैच दिया वहाँ पे सेन, लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन बड़ा विकेट ये रघुवंशी, क्योंकि सेट हो चुके थे। वहीं अब सुनील नारायण के विकेट की तरफ देख रही होगी जरूर राजस्थान, जरूरत है क्योंकि वो भी पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। हालांकि यहाँ तो मौका है राजस्थान के प्रशंसकों का जश्न मनाने का, बड़ा विकेट ये रघुवंशी के रूप में, पर यहाँ बेहतरीन बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आए बल्लेबाजी करने, कप्तान अय्यर, 106 पर दूसरा झटका, अच्छी गेंद थी वहाँ पे, थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेला था, छक्का मारने गए थे, विकेट गंवाया। जी हाँ, श्रेयस अय्यर लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं ये भी, यह जरूर अब राजस्थान की नज़रें सुनील नारायण के विकेट पे होगी,
33 गेंदों में 56 रन बना के खेल रहे हैं, पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं ये। दूसरा विकेट गायब है यहाँ पे, हालांकि रन रेट में अभी भी 10 के आसपास का रन रेट, बेहतरीन बल्लेबाजी। क्या लाजवाब आज बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने, और लाजवाब स्ट्राइक रेट दोनों का। यहाँ से और कमाल करने होंगे बिल्कुल कोलकाता को, बड़ा स्कोर कायम करना होगा क्योंकि राजस्थान के पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है। जी ओवर की पांचवी गेंद कराएंगे यहाँ पे, सुरेश अय्यर करेंगे सेन का सामना। देखना होगा यहाँ पे क्या सिंगल से खाता खोलते हैं यहाँ पे सुरेश अय्यर जी। नहीं, कोई रन नहीं, अच्छी गेंद वहाँ पे सेन की, 6 रन आए अभी तक इस ओवर से और एक बड़ा विकेट, एक गेंद अभी भी शेष इस ओवर में। देखना होगा इस ओवर में और क्या बचा है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्या एक और विकेट की तलाश कर रही है और वो कामयाबी मिल पाएगी। हालांकि बड़ा झटका दिया था रघुवंशी के रूप में वहां पे सेन ने। आखिरी गेंद ओवर की, सामना सुरेश अय्यर से सेन का, यहां विकेट लेने की तलाश में होंगे सेन और सुरेश अय्यर अपना खाता खोलना चाहेंगे जरूर निश्चित रूप से। लाजवाब आज प्रदर्शन किया कोलकाता ने अभी तक, बहुत ही धीमी शुरुआत, उसके बाद जी हाँ यहाँ पे बेहतरीन खूबसूरत ये चौका सुरेश अय्यर के बल्ले से, 4 रन के साथ अपना खाता खोला, 110 पे पहुंची कोलकाता 2 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत लाजवाब यहाँ पे बल्लेबाजी आज कोलकाता की, 11 ओवर की हुई है समाप्ति, कोलकाता 110 पे 10 रन प्रति ओवर रन बना रहे हैं। वहाँ पॉइंट और गली की दिशा के बीच में से मारा था चौका, लाजवाब शॉट वहाँ पे सुरेश अय्यर के बल्ले से, खाता खोला वहाँ पे अय्यर ने अपना। अच्छा, हालांकि थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए सेन, 2 ओवर में 22 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है, पर थोड़े से महंगे ये तो साबित हो गए। वहीं सुनील नारायण आज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी में परिवर्तन, रविचंद्र अश्विन को लाए गेंदबाजी करवाने, 2 ओवर फेंके उन्होंने, 21 रन दिए हैं, हालांकि विकेट अभी तक नहीं मिले, थोड़े से महंगे आज अश्विन साबित हो रहे हैं, बहुत ही कंजूस किफ़ायती गेंदबाज हैं, बहुत उम्मीद होगी होगी यहाँ पे टीम को इनसे। जी हाँ, ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पे कोई रन नहीं, माफ कीजिएगा पहली गेंद काउंट की जाएगी क्योंकि पहली वाइड थी। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा वाइड थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं आजकल रविचंद्र अश्विन इस आईपीएल सीजन में अब तक। ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पे, बॉल हवा में, क्या झटका लगेगा या बॉल सीमा रेखा के पार, बॉल सीमा रेखा के पार, 6 रन मिले यहाँ पे, बेहतरीन शॉट लाजवाब यहाँ पे छक्का। सुनील नारायण आज पूरी तरीके से अपसेट हो चुके हैं, ये आपको मौका नहीं देंगे, ये बड़े बड़े शॉट्स मारेंगे अब। जी हाँ, सुनील नारायण लाजवाब शॉट मारा था यहाँ पे मिड ऑन की दिशा में गेंदबाज के सर के ऊपर से, 117 पे पहुंच गई है कोलकाता और शाहरुख खान इस टीम के मालिक बेहद ही खुश, और कोलकाता की पूरी फैंस पूरी आर्मी कोलकाता की खुश, और हो भी क्यों ना, क्या लाजवाब आज देखने को मिला अभी तक बल्लेबाजी। रविचंद्र अश्विन कम पिटाई होती है आज उनकी हालांकि, पर आज बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है इनकी। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे, बॉल एक बार फिर से हवा में यहाँ पे, क्या बॉल सीमा रेखा पार कर पाएगी, जी हाँ यहाँ पे खूबसूरत चौका, 114 यहाँ पे कोलकाता के लिए, 121 पे पहुंची कोलकाता 2 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब यहाँ पे चौका मारा यहाँ पे, बैक टू बैक बाउंड्रीज कोलकाता के लिए सुनील नारायण के लिए, 36 में 66 पे पहुंच गए सुनील नारायण, जम के पिटाई कर रहे हैं आज कोलकाता की, खासकर की अश्विन की, तीसरा ओवर ये 32 रन दे चुके हैं, कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए अभी तक। देखना होगा क्या कमाल दिखाते हैं आगे, क्या यहाँ विकेट की तलाश में कामयाब हो पाएंगे राजस्थान रॉयल्स। ओवर की चौथी गेंद, कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी अच्छी वापसी है रविचंद्र अश्विन की, और करना होगा ओवर की पांचवी गेंद, यहाँ भी कोई रन नहीं, यहाँ फिर से वापसी, अच्छी गेंदबाजी अच्छी रणनीति।
खूबसूरत ये बल्लेबाजी घटते हुए कोलकाता के नज़रिए से। आज क्या शानदार बल्लेबाजी की अभी तक कोलकाता ने, एक एक गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं आज। जी हाँ, खास करके रविचंद्र अश्विन 3 ओवर 36 रन, बड़ी पिटाई हुई आज अश्विन की। 125 पे पहुंच गई कोलकाता 12 ओवर की समाप्ति पर। ये अच्छा मैच, ये लाजवाब मैच कोलकाता के लिए, और अहम भी था यहाँ पे कोलकाता को जीतना आज का मैच, और वो कर भी रही है। 10.42 की रन रेट, काफ़ी अच्छी पिटाई करते हुए, लाजवाब बल्लेबाजी दोनों छोर से, दोनों बल्लेबाजों द्वारा। हालांकि रघुवंशी जा चुके हैं, अब सुरेश अय्यर आए हैं, पर अच्छा साथ दे रहे हैं भी नारायण का। यहाँ अगले ओवर की पहली गेंद, युजवेंद्र चहल 1 रन के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करेंगे जरूर सुरेश अय्यर, और बिल्कुल बनता भी है। जिस हिसाब की पिटाई कर रहे हैं सुनील नारायण, बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हैं, उनको स्ट्राइक दीजिए, आप उनको मौका दीजिए। आज स्पिन गेंदबाजों की अच्छी पिटाई हुई है। युजवेंद्र चहल 3रा ओवर, ये 24 रन दे चुके हैं, कोई भी विकेट नहीं ले पाए अभी तक। 1 रन, अच्छा शॉट था वो मिड ऑफ की दिशा में, 1 रन चुराया था वहाँ पे पिछली गेंद पर। यहाँ सुनील नारायण आ गए स्ट्राइक पे, क्या ये फिर से युजवेंद्र चहल की पिटाई करेंगे? जी नहीं, 1 रन के साथ स्ट्राइक चेंज करेंगे नारायण भी। 127 पे पहुंची है कोलकाता 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे, खूबसूरत बल्लेबाजी, खास करके सुनील नारायण। यह आईपीएल सीजन उनका बहुत ही बेहतरीन रहा है, देखना होगा। ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पे कराएंगे युजवेंद्र चहल, कोई रन नहीं, अच्छी खूबसूरत वापसी युजवेंद्र चहल की। यहाँ फंसाना होगा जरूर कोलकाता के बल्लेबाजों को, विकेट निकालना होगा कोलकाता का। हालांकि पर्पल कैप युजवेंद्र चहल के पास है, 7 मैचों में उन्होंने 11 विकेट लिए हैं, या आज के मैच में अभी तक कोई विकेट नहीं लिया है, यहाँ जरूर विकेट के लिए तलाश करेंगे। 3रा ओवर ही घटता हुआ उनका, हालांकि पिछली गेंद पर थोड़ा सा चकमा दिया था यहाँ पर 4थी गेंद पर श्रेष्ठ अय्यर को युजवेंद्र चहल ने। जी हाँ, लाजवाब गेंदबाजे हैं युजवेंद्र चहल, ये बहुत अच्छे से फंसाना जानते हैं बल्लेबाजों को। 5वीं गेंद कराएंगे यहाँ पे चहल, बॉल हवा में और बॉल सीमा रेखा के पार भी, इस बार नहीं, बार बार आपको मौका नहीं देंगे यहाँ पे। 6 रन और जुटे कोलकाता के खाते में, 133 पे पहुंची कोलकाता 2 विकेट के नुकसान पर। तो दोनों छोर से रन बना रहे फिर से, हालांकि साझेदारी टूटी जरूर थी, पर यहाँ क्या वापसी फिर से श्रेष्ठ अय्यर, बेहतरीन शॉट ये मिड विकेट की दिशा में। और वहीं फील्ड स्टाफ का क्या लाजवाब कैच था वहाँ पे, पर यहाँ आखिरी गेंद, यहाँ विकेट की तलाश थी युजवेंद्र चहल को, और ये झटका दिलाए कोलकाता को बड़ा विकेट, ये श्रेष्ठ अय्यर के रूप में कोलकाता को लगा। हालांकि थर्ड अंपायर की तरफ गए, रिव्यू लिया वहाँ पे बल्लेबाज ने, देखना होगा इस रिव्यू पे क्या।
अच्छी लाजवाब यहाँ पे, बेहतरीन यहाँ पे विकेट दिलाया था जरूर, लाजवाब शुरुआत करेंगे यहाँ पे अगले ओवर की वाइट गेंद के साथ रविचंद्र अश्विन। यहाँ विकेट तो मिला था पर यहाँ अश्विन थोड़े से महंगे जरूर साबित हो रहे हैं आज। हालांकि रविचंद्र अश्विन की गेंदबाजी आज बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आ रही है, पूरी तरीके से फ्लॉप आज अश्विन, आज रविचंद्र अश्विन नहीं फ्लॉप अश्विन कह सकते हैं। फिर से ये बड़ा ओवर, 12 रन इस ओवर से, एक गेंद अभी भी शेष इस ओवर में, क्या होता है उस गेंद पर, क्या और बड़े शॉट मारेंगे यहाँ पे। आंद्रे रसल, सुनील नारायण दोनों पावर हीटर खेल रहे हैं, दोनों पावर हीटर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पे रसल, एक रन के साथ संतोष करेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 14 ओवर की हुई समाप्ति, कोलकाता 146 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी आज बिल्कुल ही साधारण बल्लेबाजी की अश्विन ने, 4 ओवर में 49 रन लुटाए इन्होंने। पिछले ओवर की बात करें तो 3 वाइड डाली है उन्होंने, 3 वाइड गेंदे और एक गेंद वाइड गेंद पर, तो 4 रन और मुफ्त के मिले थे। 146 पे कोलकाता 3 विकेट के नुकसान पर, 14 ओवर का मात्र खेल हुआ है, आज फिर से बड़ा स्कोर बनेगा इस मैदान पर, निश्चित रूप से आज बड़ा स्कोर बनेगा यहाँ पे। जिस हिसाब की बल्लेबाजी अभी तक कोलकाता कर रही है, खूबसूरत घट रहा है मैच। सुनील नारायण 74 रन, मात्र 42 गेंदों का सामना किया इन्होंने, 4 छक्के 8 चौके। वही आंद्रे रसल अभी तक शुरुआत ही कर रहे हैं मात्र,
10.5 की रन रेट से रन बना रही है कोलकाता। बेहतरीन बल्लेबाजी आज कोलकाता की देखने को मिली है। हालांकि एक छोर से विकेट जरूर गिरे हैं 2-3, लेकिन जो भी बल्लेबाज आ रहा है पूरी तरीके से साथ दे रहा है रसल का, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा नारायण का। 14 ओवर हो गए समाप्त। यहाँ पे आर अश्विन 4 ओवर 49 रन, काफ़ी बड़ा ओवर ये, काफ़ी ख़राब गेंदबाजी कहेंगे आज अश्विन की। और यहाँ अश्विन को विकेट ना मिलना बिल्कुल, यहाँ सेन को लाया गया है, स्पिन गेंदबाज से परिवर्तन किया गया, फास्ट गेंदबाज को लाया गया है, कोई रन नहीं पहली गेंद पर। अच्छी थी ये गेंद, बेहतरीन यहाँ पे ओवर करना होगा किसी एक गेंदबाज को, निश्चित रूप से कम रन देने होंगे और एक और विकेट निकालना होगा, वो भी सुनील नारायण का। जी बिल्कुल देखेंगे सुनील नारायण का विकेट देखने के लिए आज, बिल्कुल करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी की थी, काफ़ी बाहर हो गए थे वहाँ पे रसल, पीछे हट के शॉट मारना चाहते थे, नाकामयाब रहे। 146 पे गिरा है तीसरा विकेट यहाँ पे कोलकाता का भी, बिल्कुल संभल के करना होगा बल्लेबाजी यहाँ पे कोलकाता को। यहाँ से एक दो विकेट और गिरेंगे तो थोड़ी मुश्किलों में भी आ सकते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ ओवर की दूसरी गेंद, इस बार नहीं मौका चुकेंगे रसेल। खूबसूरत ये चौका उनके बल्ले से, इस चौके के साथ यहाँ पे 150 का आंकड़ा चेक किया है, पार किया है कोलकाता ने। बाउंड्री चेक की जा रही है हालांकि इस गेंद की, क्या ये 4 रन पूरे मिलेंगे कोलकाता को? अंपायर द्वारा चेक किया जा रहा है बाउंड्री शायद, क्योंकि बेहतरीन शॉट मारा था वहाँ पे पॉइंट और गली की दिशा के बीच में से, क्या ये छक्का या चौका चेक किया जा रहा है। जी हाँ 4 रन, 1 बाउंस था यहाँ पे, 150 का आंकड़ा पार किया कोलकाता ने 3 विकेट के नुकसान पर। एक साइड पे रास सुनील नारायण आज टिके हुए, दूसरी साइड से जो बल्लेबाज आ रहा है वो पावर हिटिंग कर रहा है। जी हाँ आंद्रे रसल, बेहतरीन शॉट था वो, बहुत इनके पास तीर है, एक से बढ़कर एक शॉट है इनके पास। अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखिए 15वां ओवर घटता हुआ, ये ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे सेन, सामने होंगे यहाँ पे वाइड गेंद, थोड़ी सी खराब यहाँ पे लाइन और लेंथ। और आज मुफ्त की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स बहुत मुफ्त के रन दिए इन्होंने आज, बहुत ही ज़्यादा, खास करके यहाँ पे रविचंद्र अश्विन, उसके बाद अब सेन की वाइड गेंद, 1 रन और मुफ्त के मिले। 151 पे पहुंची कोलकाता 3 विकेट के नुकसान पर, यहाँ जरूर राजस्थान विकेट की तलाश कर रही है, इसीलिए गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है संजू सैमसन द्वारा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, राजस्थान रॉयल्स की भी बल्लेबाजी काफ़ी स्ट्रांग है, देखना होगा आज कहां तक रोक पाएंगे कोलकाता को। 15 ओवर ही घटता हुआ ये, ओवर की तीसरी गेंद सेन की, सामने आंद्रे रसल, 1 रन के साथ यहां पे संतोष करना होगा, शॉट मारने गए थे बड़ा पर 1 ही रन मिला वहां पे। जी हाँ जहाँ आंद्रे रसल पूरी तरीके से मूड में है, हर एक गेंद पर उन्होंने प्रहार किया है, बड़ा हिट मारने गए, नाकामयाब जरूर रहे पर कोशिश लगातार कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी वहाँ पे, गेंद में कोई कमी नहीं थी, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में गई थी गेंद, 1 रन मिला। ओवर की चौथी गेंद कराएंगे सेन, सामने होंगे नारायण, आज नारायण पावर हिटर के तौर पे खेल रहे हैं, हर गेंदबाज की पिटाई की है इन्होंने, 42 गेंदों में 74 रन, क्या लाजवाब, शानदार एकदम बल्लेबाजी। ये देखना होगा क्या इस ओवर को और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सुनील नारायण। जी हाँ ये खूबसूरत सा चौका यहाँ पे सुनील नारायण के बल्ले से, 156 पे पहुंची कोलकाता इस चौके के साथ, खूबसूरत ये बाउंड्री सुनील नारायण के द्वारा। यहाँ फैंस खुश, कोलकाता के स्टेडियम में बहुत ही शोर है। 4 गेंदें हुई अभी तक इस ओवर में, 10 रन दे चुके हैं फिर से, बड़ा लगातार बड़ा ओवर घटता हुआ है यहाँ पे, कंट्रोल करना होगा थोड़ा सा राजस्थान रॉयल्स को, और वो कंट्रोल तभी होगा जब आप विकेट लेंगे, जिसमें फिलहाल आप नाकामयाब हैं, जरूर विकेट की तलाश कर रही होगी राजस्थान रॉयल्स। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी करवाती है वहाँ पे और बड़े बड़े शॉट्स खेल देते हैं आंद्रे रसल। यहाँ पे सुनील नारायण 1 रन के साथ यहाँ पे संतोष करना होगा, 157 पे पहुंची कोलकाता 3 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन ये मैच घट रहा है कोलकाता के लिहाज से, 1 गेंद अभी भी शेष ओवर में, देखना होगा क्या बड़ा शॉट और मारने की कोशिश करेंगे आंद्रे रसल स्ट्राइक पे, निश्चित रूप से कोशिश तो करेंगे ही करेंगे आंद्रे रसल।
यहाँ पे एक गेंद और बची है इस ओवर में, सामना करेंगे सेन की गेंदबाजी का। 157 पे पहुंची है कोलकाता, अब 10.5 से ऊपर का रन रेट है इनका, 10.58। देखना होगा यहाँ पे कहाँ तक कंट्रोल कर पाएंगी आज राजस्थान रॉयल्स। विकेट्स की तलाश है उन्हें किसी भी सूरत में। जी हाँ, प्रहार किया यहाँ पे रसेल ने, खूबसूरत प्रहार ये सेन के ऊपर। 161 पे पहुंची कोलकाता 3 विकेट के नुकसान पर। 15 ओवर की हुई है समाप्ति यहाँ पे। अच्छी यहाँ पे लाइन और लेंथ बिगाड़ दिया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने मिलके। 161 पे पहुंची है, 10.73 की रन रेट से रन बना रहे हैं। क्या खूबसूरत चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिल रही है यहाँ पे। लाजवाब शॉट्स मारे आज। Thank you.
यहाँ नहीं बच पाए सुनील नारायण, 109 पे वापिस जाना होगा। 56 गेंदों का किया सामना, 195 की स्ट्राइक रेट। हालांकि इनके विकेट लेने के बाद जरूर 20-30 रन शॉर्ट होगी। यहाँ कोलकाता पूरी तरीके से जम गए थे, पूरी तरीके से जज गए थे यहाँ पे सुनील नारायण। 195 पे पहुँच चुकी है कोलकाता, 5 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा। 18वें ओवर का खेल चल रहा है यहाँ पे, 15 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। यहाँ से कितना बड़ा टारगेट सोच रही होगी जरूर कोलकाता, 230-240 तक जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि रिंकू सिंह है सामने, वही वेंकटेश अय्यर उनका साथ देने के लिए आए। ये दोनों बल्लेबाजों के पास वो काबिलियत है इस मैच को फिनिश करने की। यहाँ से अच्छी यहाँ पे पहली सफलता ट्रेंट बोल्ट को मिली है, हालांकि आज सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई है, राजस्थान रॉयल्स की भी। और निश्चित रूप से जिस हिसाब का स्कोर बोर्ड आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से पिटाई हुई आज।
खूबसूरत ये मैच घटा अभी तक, बेहतरीन यहाँ पे पूरा का पैर, पूरा मैच कोलकाता के पक्ष में 195 5 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत स्थिति में यहाँ पे कोलकाता, ये एक ऐसा स्टेडियम है यहाँ रन बनाने थोड़े से मुश्किल होंगे। अब सेकंड इनिंग में अब जितना बड़ा स्कोर कायम कर दिया है, हालांकि 15 गेंदों का खेल अभी विशेष, वहाँ काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि विकेट उखाड़ दिया था वहाँ पे ट्रेंट बोल्ट ने, वहाँ नई विकेट्स आई है, नई विकेट्स को लगने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 195 5 विकेट के नुकसान पे कोलकाता, रन रेट 11.14। बेहतरीन रिंकू सिंह एक गेंदों में एक रन बना के अभी खेल रहे हैं, नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, एकदम नया ताज़ा बल्लेबाज एकदम। वहीं बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी ट्रेंट बोल्ट ने, पहली गेंद डॉट बॉल, दूसरी गेंद पर चौका और फिर एक विकेट, और विकेट ही नहीं था वो बहुत बड़ा नुकसान था वहाँ पे क्योंकि तीनों किल्लियाँ टूट गई थी वहाँ पे। लाजवाब वहाँ पे गेंद थी ट्रेंट बोल्ट की, काफ़ी टाइम लेते हुए वहाँ पे उस विकेट को जोड़ने में लग रहा है, हालांकि बहुत आसानी से जुड़ जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। ओवर की अगली गेंद शुरुआत यहाँ पे 2 रन के साथ, यहाँ वेंकटेश अय्यर ने अपना खाता खोला। 197 पे पहुंची कोलकाता, 3 रन दूर अपने दोहरे शतक से कोलकाता। जी हाँ, लाजवाब बल्लेबाजी वेंकटेश अय्यर शुरुआत कर रहे हैं आज कोलकाता के सभी बल्लेबाजों ने, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। वहीं बेहतरीन गेंद थी ट्रेंट बोल्ट की, ये भी अच्छी गेंद थी वहाँ पे, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में शॉट खेला था, 2 रन चुराए थे। 197 पे पहुंची कोलकाता, 3 रन दूर। ओवर की 5वीं गेंद, सामना करेंगे वेंकटेश अय्यर 1 रन के साथ, वहाँ पे संतोष करना होगा उन्हें। 198 पे कोलकाता, मैं जरूर सुनील नारायण के विकेट गिरने से यहाँ 20 रन एटलीस्ट जरूर शॉट हुए कोलकाता। जी हाँ बिल्कुल, 1 रन चुराया था यहाँ पे पिछली गेंद पर, अच्छा ये पूरी तरीके से मैच बनाया था और क्या विकेट उखाड़ा था, शॉट खेला था मिड विकेट की दिशा में, 1 रन चुराया था वहाँ पे। आखिरी गेंद ओवर की ट्रेंट बोल्ट की इस बेहतरीन ओवर की, 7 रन दिए 18वें ओवर में, कोई रन नहीं, सिर्फ 7 रन दिए 18वें ओवर में। 198 पे पहुंची कोलकाता 5 विकेट के नुकसान पर, लाजवाब यहाँ पे गेंदबाजी, ये ट्रेंट बोल्ट का ओवर, या कोलकाता काफ़ी ज़्यादा रन बना चुके हैं यहाँ पे, राजस्थान के सर का दर्द हो चुके हैं इतना ज़्यादा रन। सुनील नारायण शतक जड़ा है आज उन्होंने, 2 ओवर अभी भी शेष है, ट्रेंट बोल्ट का ओवर ख़त्म हो चुका है। 12 गेंदों में कहां तक पहुंचेगी कोलकाता, निश्चित रूप से 230 के आसपास का स्कोर देख रहे होंगे कोलकाता आज, देखते हैं। रिंकू सिंह बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, क्या कमाल कर पाएंगे आज, क्या फिनिश कर पाएंगे कोलकाता का यहाँ पे, और ज़रूरत भी आज रिंकू सिंह से थोड़ी सी उम्मीदें होगी कोलकाता को यहाँ से। इस 12 गेंदों में कम 30 रन तो ज़रूर बनाने चाहिए कोलकाता को, निश्चित रूप से। आज टॉस जीता था संजू सैमसन ने, गेंदबाजी का फैसला किया, वो फैसला अभी तक गलत साबित होता हुआ राजस्थान के लिए। 1 रन के साथ यहाँ पे आवेश खान के आखिरी ओवर की शुरुआत की, अच्छी गेंदबाजी की आज आवेश खान ने, 4th ओवर फेंक रहे हैं, 20 रन दे के 2 विकेट झटके हैं। जी हाँ, लाजवाब यहाँ पे वेंकटेश अय्यर ने शॉट मारा था वहाँ पे, रिंकू सिंह अब स्ट्राइक पे आए, रिंकू सिंह बड़े बड़े शॉट्स की उम्मीद, क्या आज कामयाब हो पाएंगे यहाँ पे, अच्छा शॉट मारा था वैसे मिड ऑन की दिशा में, 1 रन चुराया था पिछली गेंद पर। आवेश खान की दूसरी गेंद, बॉल हवा में और बॉल सीमा रेखा के पार भी, खूबसूरत ये शॉट रिंकू सिंह का, यहाँ इस छक्के के साथ कोलकाता ने 200 का आंकड़ा पार किया है। कोलकाता का स्कोर 205 रन 5 विकेट के नुकसान पर, खूबसूरत बल्लेबाजी आज कोलकाता की इस IPL सीज़न में, भरमार है 200 प्लस स्कोर की। और एक और नाम शामिल, कोलकाता नाइट राइडर्स, बेहतरीन शॉट मारा था मिड विकेट की दिशा में, 6 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। ओवर की तीसरी गेंद, जी हाँ एक और खूबसूरत चौका यहाँ पे रिंकू सिंह, बेहतरीन फिनिशर, अपनी फिनिशिंग दाव खेलते हुए यहाँ पे, 4 गेंदे 11 रन, क्या खूबसूरत 2 शॉट है, पहली गेंद पर छक्का फिर एक और चौका, 209 पे पहुंची है कोलकाता। निश्चित रूप से ये दुख देने वाले,
थोड़ी सी यहाँ खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, और क्या बेहतरीन शॉट वहाँ फाइन लेग की दिशा में, कोई फील्डर नहीं था मौजूद। 4 रन बटोरी अपनी टीम के लिए। आवेश खान जरूर थोड़े से प्रेशर में होंगे, ओवर की चौथी गेंद करवाने आएंगे। सामने रिंकू सिंह 1 रन के साथ यहाँ स्ट्राइक चेंज किया रिंकू सिंह ने, खूबसूरत रणनीति। 19वें ओवर की अभी तक 4 गेंदें हुई है, 12 रन आ चुके हैं, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था कोलकाता के लिए। जी हाँ, यहाँ आउट तो हो गए सुनील नारायण, पर वो रिंकू सिंह को छोड़ गए और उनकी आत्मा इनके अंदर आ गई लगता है। लाजवाब यहाँ पे इनिंग खेल रहे हैं, 5 गेंदें 12 रन। पिछली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला था, 1 रन चुराया था वहाँ पे। जी हाँ, 5वीं गेंद ओवर की, कोई रन नहीं। आवेश खान की थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि रिंकू सिंह का विकेट भी ले सकते हैं अगर वो वापसी करनी आपको तो। नहीं, वेंकटेश अय्यर अभी तक फ्लॉप रहे इस IPL सीजन में पूरी तरीके से, और फिर से उन्होंने डॉट गेंद खेली। ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे यहाँ पे, 12 ही रन अभी तक इस ओवर से। निश्चित रूप से एक बड़े शॉट मारने की कोशिश करेंगे अय्यर, नाकामयाबी हाथ लगी अभी तक। जी हाँ, खूबसूरत ये चौका अय्यर के बल्ले से, दोनों छोर से पिटाई कर रहे हैं। आज कोलकाता के सभी बल्लेबाज पिटाई कर रहे हैं, थोड़ी सी परेशान स्थिति में राजस्थान रॉयल्स। आखिरी गेंद पर आए 4 रन, 16 रन आए 19वें ओवर से। कोलकाता का स्कोर 214 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 19 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। जरूर वेंकटेश अय्यर का स्क्वायर लेग की दिशा में अच्छा शॉट था वो, बड़ा ओवर साबित हुआ है पिछला। आखिरी ओवर सेन के हाथ में जिम्मेदारी, सामना करेंगे रिंकू सिंह। 230 प्लस जरूर जाना चाहेंगे आज कोलकाता, अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा देंगे। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत तेज़ी से रन चेज करते हैं, और कुछ सोच के उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया संजू सैमसन ने। क्या ये फैसला उनके पक्ष में साबित होता है, ये देखने लायक बात होगी आज। सेन का सामना रिंकू सिंह से। आज राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जरूर जीता, गेंदबाजी का फैसला लिया। ओवर की पहली गेंद सेन की, बॉल हवा में रिंकू सिंह की, क्या बॉल सीमा रेखा पार कर पाएगी? काफी देर जी नहीं, 1 ही रन मिला यहाँ पे। काफी देर गेंद हवा में थी वहां पे, वहां लेकिन बाउंड्री चेक की जा रही है। बेहतरीन फील्डिंग की थी 1 बाउंस के बाद फील्डर ने, निश्चित रूप से हम पैर चेक करेंगे। हालांकि फील्डिंग तो बहुत ही जोरदार हुई थी वहां पे, चौका बचाने की कोशिश की थी वहां पे कवर्स की दिशा में। रियान पराग चेक करेंगे अंपायर आज, और थोड़ा सा समय भी लग सकता है। हालांकि अच्छी लाजवाब एफर्ट वहां पे, जी हाँ 3 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। ओवर की दूसरी गेंद, इस बार नहीं बचेंगे, इस बार बॉल हवा में फिर से एक बार, और ये बेहतरीन विकेट सेन के हाथ में। वापस जाना होगा वेंकटेश अय्यर को। अच्छा ओवर ये 20वां ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए। पहली गेंद पर क्या खूबसूरत फील्डिंग की थी वहां पे, और फिर ये दूसरी गेंद पर इस बार मिड ऑन की दिशा में शॉट मारा था वेंकटेश अय्यर ने, छक्का मारने गए थे, काफी पीछे रह गए। वहीं लाजवाब कैच पकड़ा वहां पे, जरूरत थी। वेंकटेश अय्यर फ्लॉप रहे इस IPL सीजन में, अभी तक कोई भी कमाल की बल्लेबाजी नहीं। रिंकू सिंह ने की है बल्लेबाजी, अभी 6 गेंदों में 13 रन बना के खेल रहे हैं, 1 छक्का 1 चौका। हालांकि 1 चौका भी रोका था रियान पराग ने उनका, बेहतरीन शॉट वो। निश्चित रूप से कोशिश करेंगे रिंकू सिंह स्ट्राइक पे आने की। जी हाँ, दोनों आर सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, देखना होगा कौन चलेगा यहाँ पे। रिंकू सिंह से काफ़ी उम्मीदें होगी बिल्कुल आज, या फिनिशिंग करने की, बड़े बड़े शॉट्स मारने की, 230 तक पहुंचाने की 1 रन के साथ। अच्छी सूझबूझ यहाँ पे सिंह जी ने, स्ट्राइक चेंज किया यहाँ पे, और रिंकू सिंह को दिया आखिरी के 3 बॉल खेलने के लिए। बेहतरीन एफर्ट सभी खिलाड़ी और आज कोलकाता के। वेंकटेश अय्यर ही थोड़े फ्लॉप रहे, हालांकि था वहाँ पे जरूर टीम को, छक्का मारने गए थे आउट हो गए। रमनदीप सिंह अच्छी रणनीति यहाँ पे, अच्छा शॉट खेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन चुराया था। 3 गेंदे शेष,
क्या यहाँ पे एक और विकेट आएगा सेन के खाते में, देखना होगा। जी हाँ, जरूर बड़े शॉट के लिए तो जाएंगे रिंकू सिंह, ये नहीं छोड़ने वाले निश्चित रूप से। 300 का स्ट्राइक रेट इनका हो जाता है आखिरी के तीन ओवरों में, चार ओवरों में। ओवर की चौथी गेंद, डॉट गेंद, अच्छा करता हुआ ये ओवर, मात्र दो रन दिए अभी तक, एक बड़ा विकेट लिया है सेन ने। ऐसी गेंदबाजी अगर की होती पहले राजस्थान रॉयल्स ने तो क्या ही लाजवाब बात होती। हालांकि अच्छे समय पे आ रही है ओवर, 20वां ओवर है, यहाँ पे बल्ला खोल देते हैं सभी बल्लेबाज, मैच खोल देते हैं। क्या यहाँ दो गेंदों में और कुछ बड़ा शॉट लगेंगे रिंकू सिंह के बल्ले से या गवाएंगे अपनी विकेट। ओवर की पांचवी गेंद, बॉल हवा में और बॉल सीमा रेखा के पार भी, खूबसूरत छक्का यहाँ रिंकू सिंह का, पूरी तरीके से ये फिनिशर का रोल अदा करते हैं। ये भारतीय टीम में एक प्रबल दावेदार के रूप में आए अब। जी हाँ, 222 पे पहुंची कोलकाता 6 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद अभी विशेष इस मैच में, माफ कीजिएगा इस इनिंग में। लाजवाब शॉट खेला था वहां पे, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में 6 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। जी हाँ, एक गेंद और शेष सेन की, क्या इस पे भी बड़ा शॉट खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे, क्या छक्का जाएगा, बिल्कुल देखने वाली बात होगी ये। निश्चित रूप से अच्छी लाजवाब बल्लेबाजी, 8 गेंदें 19 रन, रिंकू सिंह 2 छक्के 1 चौके। जी नहीं, यहाँ अच्छा शॉट खेलने गए थे पर एक रन के साथ संतोष करना होगा। 223 पे पहुंची कोलकाता, 20 ओवर की भी समाप्ति। पिछला ओवर अच्छा घटा वैसे, 9 रन आए मात्र। बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी सभी छोरों से, आज कमाल की बल्लेबाजी की है कोलकाता के बल्लेबाजों ने, खासकर की सुनील नारायण ने, सेंचुरी शतक जड़ा यहाँ पे। रिंकू सिंह अपना काम करके जाते हुए, 2 गेंदों में 20 रन, और क्या ही चाहिए फिनिशर से आपको। जी हाँ, अच्छा मैच, लाजवाब मैच ये, 15 मिनट का इनिंग्स ब्रेक यहाँ पे। क्या 15 मिनट बाद क्या कमाल होगा, कहाँ तक पहुँचेगी ये टीमें, क्या आज राजस्थान रॉयल्स चेस कर पाएगी, 224 रन बना पाएगी जीत के लिए। बिल्कुल, ये सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आज। वहीं कोलकाता थोड़ी सी फंसी थी आज, और उसके फंसने का राजस्थान रॉयल्स थोड़ी सी फंसी थी कोलकाता पहले, उसके बाद जो मैच खोला कोलकाता ने, फिर तो राजस्थान रॉयल्स ही फंसी पूरे मैच में अभी तक। जी हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक होगा, देखना होगा 15 मिनट के बाद क्या करिश्मा होता है इस मैच में, क्या कुछ बदलाव होता है, क्या बड़े बड़े शॉट्स और आते हैं।